छतरपुर जिले के बड़मलहरा में भाजपाइयों द्वारा प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल कुमार द्वारा कमलनाथ द्वारा दलित जिले की डबरा विधानसभा सीट पर एक सभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी मृति देवी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर भाजपा द्वारा बस स्टैंड बड़मलहरा पर सोमवार को मौन प्रदर्शन किया। इससे पूर्व मंत्री और विधायक प्रभारी हरिशंकर खटीक ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री कमल द्वारा उनकी ही सरकार में रहे मंत्री इमरती देवी से आज भाजपा उपचुनाव में प्रत्याशी और भाजपा सरकार की मंत्री भी है। इस बारे में कमलनाथ द्वारा अभद्रपूर्ण टिप्पणी करने पर भाजपा के पूर्व विधायक रेखा यादव, पूर्व विधायक पथरिया सोनाबाई अहिरवाल द्वारा कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विरोध में मौन धारण कर प्रदर्शन किया गया। हमारे प्रतिनिधि राजेंद्र की एक खास रिपोर्ट। आज आपका धरना प्रदर्शन किस उद्देश्य को लेकर है? आज हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पूरे मध्य प्रदेश में मौन धरना हुआ है और ये धरना आप लोगों को जानकारी होगी क्योंकि आप लोगों के माध्यम से हम लोगों तक बात आती है। जो माननीय कमलनाथ जी यहाँ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनने जो महिलाओं के लिए बोला है, आज वो महिला उनकी पार्टी में रही और उनके ही कर्मों से आज भारतीय जनता पार्टी में आई है, चुनाव लड़ रही हैं और एक सम्मानजनक पद पे हैं। और राजनीति में हो ये महिलाएं या किसी अन्य क्षेत्र में हो, महिलाओं के सम्मान में आदमी को हमेशा बोलना चाहिए, लेकिन कमलनाथ जी ने जो उनके प्रति बोला है वो अच्छा नहीं बोला है और इसका रिजल्ट उनके सामने आएगा। उन्होंने जो टिप्पणी की है महिलाओं को लेकर, आप कैसा महसूस करती हैं? अब टिप्पणी जब हम लोगों को ये आत्मा में चुभी है, जब तो हम लोग यहाँ निकल के आए हैं और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब हमारे साथ सभी भाई बैठे हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी के। सबसे ज्यादा कष्ट होता है उनकी पार्टी में तो विदेशी महिला है, तो हम लोग उसके बारे में नहीं बोलते, लेकिन ये महिलाएं हमारे भारत की हैं, हमारे मध्य प्रदेश की हैं। महिला कोई भी हो, नारी शक्ति कोई भी हो, जब हम किसी भी नारी को पूछते हैं, कन्याओं को पूजन करते हैं, महिलाओं को इतना सम्मान देते हैं और आज इतने सम्मानजनक पद पे होके वो इतने वरिष्ठ होके और किसी महिला के प्रति कोई अभद्र टिप्पणी करे, वो हम लोगों को सहन नहीं होगा, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कमलनाथ जी ने हरे मंच पर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो हरे मंच से एक दलित महिला इमरती देवी के खिलाफ में जो टिप्पणी की है, उसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी यहाँ धरने पर बैठी है। इमरती देवी उनके ही कार्यकाल में मंत्री रही, विधायक रही, आज वो पार्टी से निकल के बीजेपी में आई है, सम्मान्य पद पे है, मंत्री है और जो उनने एक दलित महिला के खिलाफ जो उनने टिप्पणी की है उसकी बीजेपी की महिलाएं नहीं समस्त भाई बंधु निंदा करते हैं और इसका आने वाले समय में सब दलित लोग तो उनकी निंदा कर ही रहे हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी उनको मुंह जोड़ जवाब देगी, यही कहना चाह रहे हैं।